खरगोन जिले में बेड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम राहरकोट में शराब पीने के बाद विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी शिकायत लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उचित जांच की मांग की। हम आपको बता दें कि घटना 23 नवंबर की है। लालचंद वर्मा की दुकान पर शराब पीने पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान परिजन ने कथित शराब व्यवसायी पर आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति अवैध जहरीली शराब बेचता है और लालचंद की मौत के बाद उसकी लाश को छुपाने का प्रयास भी किया। वहीं उक्त दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाकर उचित कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम राहरकोट की घटना है, जिसमें जहरीली शराब और अवैध शराब बेचने वाले के यहाँ से शराब भी बरामद हुई है। वहाँ पर हमारे एक व्यक्ति लालचंद जी वर्मा है, उनके ही दुकान पर उनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस को सूचना करने के बाद में 2 घंटे बाद पहुँची। और जब ये मर्ग का कायमी की गई और पीएम के बाद में उन्होंने बोला कि जांच की जाएगी, लेकिन उसी रात को 23/11/2021 दिन मंगलवार की घटना है, जब शाम को 10 बजे फिर 100 नंबर डायल करके उसको अवैध शराब का जो जहां पर रखी हुई थी वह हमने पुलिस को सुपरद करवाई और मुलजिम ने भी कबूल की है कि ये शराब मेरी है, लेकिन अभी तक उन पर ऐसी कोई भी धारा नहीं लगाई जिससे उसे जेल हो सके और उस पीड़ित परिवार को उसको अधिकार मिल सके और उसको जिस तरीके से मुआवजे की गुंजाइश है, जो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनका भरण पोषण के लिए उनको उचित मुआवजा दिया जाए, बस हम यही चाहते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वर्मा है। कहाँ रहते हो? ग्राम राहरकोट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।